दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो JLS 81 है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो काम है फर्स्ट फ्लोर तक आ चुका है, ये देख सकते हैं शटरिंग आ चुकी है फर्स्ट फ्लोर तक। तो इस तरह से कुछ काम चल रहा है, साइड देख सकते हैं JLS की। और पीछे आपको अगर दिख रहा होगा तो 81 सिग्नेचर 81, तो सिग्नेचर 81 और पीछे विपुल लवन्या की सोसाइटी दिख रही होगी आपको। तो सिग्नेचर अगर हम ओवरऑल JLS की बात करें तो JLS की जैसा रहा ही है कि उनका स्पीड हमेशा से ठीक रही है कंस्ट्रक्शन में, तो वही नज़र आ रहा है यहाँ पे भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अच्छी खासी स्पीड से चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है JLS में। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है JLS में, कंस्ट्रक्शन स्पीड ठीक ठाक चल रही है। सेक्टर 81 का प्रोजेक्ट है ये, JLS 81 एवेन्यू। आप अपनी स्क्रीन के सामने आप जो देख रहे हैं ये पिरामिड अर्बन होम्स 2 है। तो पिरामिड अर्बन होम्स 2 में आप देख सकते हैं जो पीछे जो 3 BHK के टावर हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे ही हैं। देखें आप, मतलब जो इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी स्पीड से इसके ऊपर भी काम हुआ है, और अब इसमें मेनली फिनिशिंग का काम जो होगा वो उसमें समय लगेगा, जो भी लगेगा। बट टावर आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टावर हैं, जो 2 BHK के टावर हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट नेट टू नेट उसके साथ ही मिल गया है टावर्स, ये जो 2 टावर्स हैं। तो मेरे हिसाब से पिरामिड की भी स्पीड अगर हम उस हिसाब से देखें, पिरामिड अर्बन होम्स में स्पीड अच्छी खासी चल रही है, और जिन्होंने भी इनमें इस प्रोजेक्ट में अप्लाई किया है तो उन्हें कोई टेंशन की बात नहीं। और वैसे भी ये लोकेशन इस प्रोजेक्ट की बहुत बढ़िया है, बैंग ऑन 75 मीटर रोड है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। कोई कोई ऐसा प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग में, बहुत रेयर है। तो मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे पिरामिड। तो ये देख सकते हैं पीछे जो 3 BHK के टावर है, पूरा ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है उनका रेडी हो चुका है। दोस्तों ये देखो, मैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 की साइड पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का काम हो गया है, बिल्डर ने इतना काम कर दिया। और बैक साइड की तरफ अभी ये जो टावर्स दिख रहे हैं, DLF का अल्टीमा प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, उस तरफ की तरफ काम भी स्टार्ट हो चुका है। आपको मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो आपको मे भी नज़र आए या नहीं क्लियर होगा, बट उस तरफ ये लोग कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है जाना, तो गार्ड्स ने जहाँ पर काम चल रहा है, बट काम इसमें स्टार्ट कर चुका है बिल्डर। क्योंकि आपको पता ही है दीनदयाल में 2 साल में ही पोजीशन देनी है दीनदयाल के प्रोजेक्ट में, तो काम तो स्पीड अप करना ही पड़ेगा बिल्डर को। देख सकते हैं कुछ इस तरह का काम हुआ है। ये सेल्स गैलरी है बेसिकली जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे, और ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये देखिए इस तरह का गेट ऑलरेडी बिल्ड कर दिया बिल्डर ने। तो होप, और इधर आई थिंक आगे की तरफ कमर्शियल आना है, तो उधर भी ब्रांडिंग वगैरह की हुई है। और ओवरऑल मतलब काम की स्पीड अगर हम देखें तो काम की स्पीड ठीक ठाक है, और प्रोजेक्ट की जो रोड का इशू था वो भी क्लियर हो चुका है, रोड भी यहाँ पे बन चुका है। तो जिन्होंने भी इस पर इन्वेस्टमेंट किया या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से ट्रक जा रहे हैं, अंदर मटेरियल जा रहा है, तो बेसिकली आप सोच सकते हैं कि काम चल रहा है। और दोस्तों ये लैंडमार्क की साइड के आगे से मैं गुजर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड था पहले, जो इनकम्प्लीट था रोड, वो बन चुका है। साइड के अंदर कुछ काम चल रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा भी कुछ काम अपडेट नहीं हुआ है, और साइड के अंदर जाना अलाउड नहीं कर रहा है बिल्डर, तो इसलिए बार बार से गाड़ी से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं लैंडमार्क का ये सब लगा हुआ है, बोर्डिंग वोर्डिंग आपको। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह रोड बन चुका है, और ये अंदर काम चल रहा है, ये आपको समझ नहीं आएगा, मतलब अभी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि काम नहीं हुआ है।
और विपुल लवण्य के लिए जो रोड था बीच में से, उसे इन्होंने क्लोज कर दिया है। अब विपुल लवण्य वाले सोसाइटी के जो लोग हैं वो पीछे से जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं जिस तरह से ब्रांडिंग हो रखी है। बाकी एक साइड में, एक पोर्शन में हल्का सा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है अभी तक साइड पर, अगर हम देखें जिस हिसाब से इस प्रोग्रेस स्लो है इस प्रोजेक्ट की।